आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल पे। तो हमने आपके सामने एक डेटा ले लिया है पिवट टेबल का। तो डेटा पिवट टेबल लगाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ कि आपका डेटा अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या चीज़ का, डेटा की समझ होनी चाहिए, अच्छी चीज़ तरह से डेटा की समझ होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आप अपना हेडिंग देख लें, आपका जो हेडिंग है वो हेडिंग आपका हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर हेडिंग ब्लैंक है तो आपका पिवट क्रिएट ही नहीं होगा। उसके बाद अगर डेटा में कई रो ब्लैंक है तो प्लीज डेटा को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, डेटा को अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद हम इस पर इंसर्ट करके पिवट लगाते हैं और यहाँ पे न्यू वर्कशीट है, यहाँ पे एक ही वर्कशीट है, मतलब कि आपकी अपनी खुद की कोई सीट पे पिवट लगाना है तो लोकेशन सेलेक्ट कीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए पिवट टेबल सिंपल है यहाँ पे कि ये आपका पिवट एरिया है, यहाँ पे आपके सारे रिपोर्ट जनरेट होंगे और यहाँ पे ये आपके। तो पिवट टेबल क्या करता है, समरी निकालता है। जैसे मुझे अपने डेटा पे मुझे पता करना है कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सेल की है, जस मुझे ये पता करना है। तो यहाँ अब मेरे डेटा में पर्सन के नेम कई बार रिपीटेड है, जैसे कविता हजारों बार आ सकता है तो हजारों बार का जो क्वांटिटी का टोटल है एक जगह दिख जाए। तो यही काम आपका पिवट करता है। तो मैं नेम को उठाता हूँ, रो में रखता हूँ और साथ में यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी को उठा के वैल्यू में रखता हूँ। यहाँ देखिए आपके सामने समरी क्रिएट हो गया। अब इसको फॉर्मेट की बात आती है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग की बात करें तो रो लेबल है इसके, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कर दीजिए सम ऑफ क्वांटिटी के जगह पे, इस तरह को आप कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर आप अपना खुद का फॉर्मेटिंग जो करते हैं नॉर्मल कर सकते हैं, या फिर आप डिजाइन में जाइए और यहाँ से अपनी फॉर्मेटिंग को चूज कर सकते हैं, जो फॉर्मेटिंग चाहिए आप चूज यहाँ कर लें। आप इस पे चार्ट लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट में आप यहाँ से पिवट चार्ट आपको दिखेगा, यहाँ इंसर्ट में जो चार्ट होता है वो चार्ट भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसके एनालाइज में आपको यहाँ पे पिवट चार्ट होता है वो पिवट चार्ट को भी ले सकते हैं। आप इसको ओके कीजिए, चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब चार्ट इंसर्ट हो गया, ऊपर आप देखिए डिजाइन में चार्ट के बहुत सारे पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट है वो आप ले लें। अभी आपका रिपोर्ट तैयार हो गया। अब मुझे इसको किसी को मेल करना है बट मैं पिवट का डेटा मेल नहीं करना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है इस पे राइट क्लिक कीजिए, मूव एंड कॉपी, यहां से न्यू वर्कबुक कॉपी करना है या डायरेक्ट मूव करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक नई फाइल में आ जाएगी और इसको सेव करके दे दीजिए। देखिए पिवट, अब देखिए इसमें डेटा नहीं है, किसी को मेल करूंगा सब इस पे यूज कर पाएगा अपना पिवट वगैरह हर्च करेगा, क्योंकि पिवट अपना डेटा बैकएंड में कॉपी कर लेता है। पर रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करते समय आपको पूरा पाथ मांगेगा। रिफ्रेश क्यों करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इसलिए क्योंकि अगर हमने डेटा चेंज किया, जैसे यहाँ पे कुछ डेटा चेंज किया, तो ये यहाँ पे एक्टिव तब होगा जब आप रिफ्रेश करेंगे। तो पिवट टेबल का मोटिव समझ में आया कि मोटिव क्या है, तो चलिए हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पिवट लगाते हैं। मुझे मान लीजिए इस बार मुझे चाहिए कि किस पर्सन ने किस सेल्स मोड में कौन सा प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल की है, किस पर्सन ने किस मोड में किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल की है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसके लिए पिवट टेबल लगाते हैं एंड ओके करते हैं। अब यहाँ पे हमारा पर्सन नेम मेन है तो उसको हम रो में रखते हैं। उसके बाद यहाँ हम क्या करते हैं कि अपना सेल्स मोड को कॉलन में रखते हैं और क्वांटिटी जिसकी टोटलिंग करनी होती है उसको हमेशा वैल्यू में रखा जाता है जिस पे कैलकुलेशन करना है। तो अभी आया है कि किस पर्सन ने किस सेल्स मोड में कितनी क्वांटिटी सेल की है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट भी चाहिए। अगर आप वन बाय वन प्रोडक्ट देखना चाहते हैं कि मैं एक बार में एक प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, तो इस प्रोडक्ट को फिल्टर में आप रख दीजिए, यहां से आप एक बार में एक प्रोडक्ट को देख सकते हैं।
समझे? लेकिन नहीं, मुझे पूरा देखना एक साथ में। तो उस केस में दो तरीके हैं, एक तो प्रोडक्ट को आप यहां ये दे दीजिए इस तरह से क्या, या फिर आप इसके नीचे रख दीजिए सब हेडिंग इस तरह से, लेकिन ये बेटर नहीं है, हमें बेटर यही लगा। राइट सर, इसमें एक चीज और भी है, एक्सपेंड एंड कोलैप्स भी है। यहां पे क्लिक करके हम एक्सपेंड कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं एंड कोलैप्स कर सकते हैं। तो यहाँ आप एनालाइज में आते हैं तो यहाँ पे आपको आता है एक्सपेंड एंड कोलैप्स एक साथ में। तो ये समरी ऑफ द समरी हो जाता है। मान लीजिए मुझे इंद्र का चेक करना है कि कौन कौन प्रोडक्ट का सेल हुआ है, तो क्लिक करके हम सिर्फ इंद्र को देख लेंगे। राइट, सिर्फ इंद्र को देख लेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मैं एक बार करता हूँ, सेल्स मून हटा देता हूँ और मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर एज ए पीडीएफ, एज ए पिवट टेबल किसी को रिपोर्ट भेज रहे हैं तो ए फॉर्मेटिंग बेटर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब अगर आप इसको, हम लोग क्या करते हैं कि इसको कॉपी करके पहले किसी एक एरिया में पेस्ट करके इस पर और कैलकुलेशन करते हैं, तो उस केस में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा नेम है। तो इस केस में यहां पे हम क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे और यहां पे शो टेबुलर फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। और यहां पे देखिए हर किसी के नीचे उसका सब टोटल डला हुआ है। इसकी जरूरत है ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे इस पे, तो राइट क्लिक इस पे करें और यहां से सब टोटल नेम कर दीजिए, हट जाएगा। अब इसमें देखिए यहां जो एरिया है ब्लैंक है, मैं चाहता हूं ये मर्ज हो जाए या फिर मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। रिपीट करने का फायदा क्यों है कि जब मैं इसको कॉपी करके किसी और लोकेशन में पेस्ट करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इस पर फिल्टर वगैरह अप्लाई, से फिल्टर अप्लाई किया और मैंने सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए इंदर इंदर, ओके। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग हो जाए ताकि हम इसका आसानी से यूज कर सकें। तो एक एक मैनुअल करने से अच्छा है कि आप इसी में डिजाइन में ही जहां से लेआउट लिया तो उसी में रिपोर्ट ऑल आइटम लेबल दिख रहा है उस पर क्लिक कर, ये आपका रिपीट हो गया। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो है एक नया ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाए सेपरेशन के लिए, अच्छा दिखे इसलिए। तो ब्लैंक रो इंसर्ट ब्लैंक रो करें, तो ये देखिए ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया। ये सब को रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव और लेआउट पे जाना है, डू नॉट रिपीट कर दीजिए। अब मैं रिपीट नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मर्ज करना, तो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको मर्ज डायरेक्ट नहीं कर सकता। मर्ज करने के लिए मुझे राइट क्लिक, नहीं कॉलम ऐड नहीं होता है सिर्फ रो ऐड होता है, पिवट टेबल ऑप्शन में आओ और यहां से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया एंड ओके किया, तो देखिए हमारा मर्ज हो गया। एक फीचर और भी होता है इसमें, जैसे कि यहाँ पूजा है और इसकी डीवीडी 3640 क्वांटिटी दिखा रहा है, तो मुझे ये देखना है कि 3640 का डेटा देखना है मुझे एक बार क्या डेटा है। तो आप डेटा में जाके फिल्टर करेंगे, उससे बेटर होगा कि इस पे जस्ट डबल क्लिक कर ले। डबल क्लिक करते ही एक नई शीट में एक पूरी देखिए यहाँ पे पूजा और डीवीडी के डेटा को पेस्ट कर दिया, इसको आसानी से आप देखिए और एनालाइज कीजिए जस्ट डबल क्लिक। ओके,
लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि डबल क्लिक तो हम कर लेते हैं, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने सेल्स मोड और यहाँ पे क्वांटिटी रखा, तो डबल क्लिक करने पे आपको डेटा दिख जाता है, डबल क्लिक कीजिए डेटा दिख गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डबल क्लिक डिसेबल हो। ऐसा इसलिए कि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती है, बहुत सारे लोग डबल क्लिक फालतू में इस तरह से करते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये डबल क्लिक का ऑप्शन डिसेबल हो जाए। तो राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शंस, डेटा, और यहाँ पे अनेबल शो डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, अनेबल शो डिटेल को हमने यहाँ से अनचेक कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दिया और इसको जैसे क्वांटिटी लिखा नहीं ले रहा है, क्योंकि क्वांटिटी ऑलरेडी है इसलिए नहीं ले रहा है, तो उस केस में आप एक स्पेस दे दीजिए तो ले लेगा। अब जैसे रिफ्रेश हम करते हैं तो देखिए ऑटो फिट हो गया, तो जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कॉलम को ऑटो फिट कर देता है। आप चाहते हैं कि फीचर ना वर्क करे तो पिवट टेबल ऑप्शन पे जाए और यहाँ इसमें ऑटो फिल कॉलम विथ विद अपडेट प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, इसको अनचेक कर देंगे तो फॉर्मेटिंग भी प्रिजर्व नहीं होगी और आपका कॉलम विड्थ भी ऑटोमेटेड नहीं होगा। ओके, अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेट ले लिया, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ले ली, सेल्स मोड हटाता हूँ और मैं रखता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रख दिया। अब इसमें देख रहे हैं कि कहीं के ये सब ब्लैंक एरिया, मतलब कि इसमें इस आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश में इस प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ इस तरह के ब्लैंक्स हैं ब्लैंक ना दिखे, यहाँ पे जीरो दिखे या कुछ और दिखे, तो उसके लिए पिवट टेबल ऑप्शन पे आपको यहाँ जाके जीरो शो करना होगा, जो भी शो करना चाहते हैं वो शो कीजिए, वो आपका वही वैल्यू शो करेगा। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को? चलिए तो कल इसको प्रैक्टिस कीजिए, कल हम बात करेंगे पिवट टेबल की शॉर्टिंग मूविंग ग्रुपिंग एंड कैलकुलेशन के बारे में।